इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये लोग जो सहाबे किराम पर तान व तशनी करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, दर हकीकत ये सहाबा को नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह रहे हैं। क्योंकि कहने वाला ये कहता है कि नबी बुरे थे जब ही तो उनके साथी बुरे हैं, अगर वो अच्छे होते तो साथी अच्छे ना होते। अफसोस होता है नाज़रीन किराम कि अगर यहूदियों से पूछा जाए कि तुम्हारी कौम के सबसे बेहतर लोग कौन थे, तो वो कहेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथी। ईसाइयों से पूछा जाए कि तुम्हारे सबसे बेहतर लोग कौन थे, तो कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के साथी हवारी। लेकिन मुसलमानों में से कुछ लोगों से अगर पूछा जाए कि सबसे बुरे लोग कौन थे, तो यही कहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी। हकीकत ये है कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को बुरा भला कहना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को दागदार करना है। हमें अपने क़ुरान पर ईमान को ख़तरे में डालना है, क्योंकि क़ुरान तो उनकी तारीफ़ कर रहा है। नबी पर ईमान को ख़तरे में डालना है, क्योंकि नबी तो उनकी तारीफ़ फरमा रहे हैं। और अगर हम क़ुरान पर, नबी पर, सहाबे किराम के ताल्लुक़ से गलतियों के शिकार हो रहे हैं, तो फिर दीन से हमारा क्या हिस्सा हो रहा है। नाज़रीन किराम, अबू ज़ुरा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि जब किसी शख्स को सहाबे किराम की ऐबचीनी करते हुए देखो, तो यकीन कर लो कि वो बददीन है, वो जिंदीक है, क्योंकि क़ुरान और रसूल हमारे यहाँ बरहक हैं और हम तक क़ुरान और सुन्नत इन्हीं सहाबा के वास्ते से आया है। जब ये हमारे गवाह ये मजरूह हो जाएंगे, यह बेवक़ात और बेहैसियत हो जाएंगे, तो फिर किताब व सुन्नत की कोई हैसियत नहीं रहेगी। इसलिए जो लोग इनके बारे में बुराई करते हैं, वही लोग बुराई के ज़्यादा हकदार हैं। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इससे मुस्तस्ना हैं। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को हमें गाली देने से बचना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर वाज़े किया है कि तुम सहाबे किराम को गाली ना दो। सहाबे किराम अगर 600 ग्राम या 300 ग्राम सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करें और तुम उहुद पहाड़ी के बराबर सोना खर्च करो, तो तुम्हारा ये सोना खर्च करना उनके बराबर नहीं हो सकता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ और खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के एक मामले में इख्तलाफ़ की वजह से, बाहम तूतू मैमै होने की वजह से आपने ये फरमाया था। जबकि खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो ये फतेह मक्का के मौका पर इस्लाम लाते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो मक्की दौर में हिजरत से पहले इस्लाम लाते हैं। ये ज़माने में फ़र्क है, लेकिन दोनों की कुर्बानियाँ मुसल्लम हैं। जब उनके बारे में आप सल्लम ये फरमा रहे हैं, तो हम किस दर्जे में होंगे जो अपनी ज़ुबानों को सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से खोलते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें।